तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, पटक। तो तीन अक्षर के शब्द बनेंगे ये, क्योंकि हमारे पास तीन वर्ण है यहाँ, प ट क। क्या बनाइए? पटक पटक। नेक्स्ट देखिए, स ब क। हमें क्या करना है इनके साथ, ये जो दिए गए उनको लिखना है, का को हमें तीनों शब्द के साथ लिखना है और नया शब्द बनाना है। समझ आया बच्चों? सबक सबक। क्या बना ये हमारा? सबक सबक सबक। नेक्स्ट देखिए, भटक। क्या बनेगा? भट भटक भटक। और भा पर कभी भी ऊपर लाइन नहीं आएगी, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अभी आ जाइए नेक्स्ट। अब इन तीन के साथ भी आपको क्या करना है, इनके साथ पहले माँ लिखना है और फिर यहाँ और फिर इनके साथ। क्लियर? अभी करिए। न र नर म नर म नरम। इस तरीके से आपको ये पढ़ना है तो आप इजीली कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, सह सह म सह म। क्या बना? सहम। तो बोल बोल कर हमेशा लिखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अभी हमारा लास्ट वन रह गया है, उसे भी कंप्लीट करिए। वह है वह म वह है म। वह किम के साथ हमने म लगाया तो क्या बना हमारा? वह है म वहम। क्लियर क्लास? तो आज आपको यह दोनों वर्क करने हैं, और बोल बोल के करने और नीटली करने हैं। बिल्कुल भी आपका वर्क गंदा नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, थैंक यू क्लास, एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।